तो कहानी शुरू होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर एक गैंग नाम का आदमी हॉस्पिटल में भागता हुआ आता है क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो उसे देखने के लिए जाता है। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और इसके बाद मूवी 3 साल आगे जाती है और हमारी कहानी की एक और फीमेल मेन एक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है मिंसू। और मिंसू एक डॉक्टर है और वो एक दिन हॉस्पिटल में ऐसे ही राउंड लगा रही थी और तभी वो एक लेडी को चेक करती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ वहां पर आई हुई थी। और वो उस लेडी के हाथ पर कुछ निशान देखती है और उसे लगता है कि ये जरूर घरेलू मारपीट का मामला है, तो इसलिए उसे इसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। इस लेडी के हस्बैंड से कहती है कि वो ठीक हो जाएगी, उसे सिर्फ थोड़ी सी गोली वगैरह दे देना। लेकिन पेशेंट का हस्बैंड यहाँ पर समझ जाता है कि वो उसकी वाइफ को क्यों ट्रीट नहीं कर रही है और वो वहाँ पर बहुत ही गुस्सा होता है। और इसके दूसरी तरफ हम फिर से कैंग को देखते हैं जिसकी वाइफ की डेथ को अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपनी वाइफ को याद करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैंग एक फायर फाइटर है और आज उन्हें एक इमरजेंसी का कॉल आता है। और उस साइट पर हम देखते हैं कि वही पेशेंट बेहोश पड़ी होती है जिस पेशेंट को मिंसू ने ट्रीट नहीं किया था। और जब उसका हस्बैंड उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता है तो वो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी वाइफ के ऊपर तो पहले ही काफी सारे सिम्टम्स दिख रहे होंगे, तुम्हें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लाना था। अब यहाँ पर उस पेशेंट के हस्बैंड का नाम यंग होता है जो कि इस बात को जानकर कि वो लेट हो गया है वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वो मिंसू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कैंग और उसके साथियों ने इनकी हेल्प की होती है इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने में। और अब ये यहाँ पर देखते हैं कि यंग बहुत ही गुस्सा है तो कैंग भी उसके पीछे जाता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि यंग भी पूरे हॉस्पिटल में तमाशा खड़ा कर देता है। तब यहाँ पर कैंग उन दोनों को रोकता है, लेकिन रोकते समय उसके हाथ में एक सीरिंज होती है जिससे यहाँ पर यंग को लगता है कि कैंग भी हॉस्पिटल के साइड है और वो उसे जोर से धक्का दे देता है। और यहाँ पर कैंग को थोड़ा हर्ट होता है लेकिन फिर भी वो यंग की हेल्प करना चाहता है और वो उसे समझा रहा होता है कि ये सब करके उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब जब हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को ये सब बातें पता चलती हैं तो उसने मिंसू और उसकी फ्रेंड को बुलाया क्योंकि इनकी वजह से उस पेशेंट की हालत काफी खराब हो चुकी है। और क्योंकि मिंसू ने उसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया था तो इस वजह से वो मिंसू को सस्पेंड कर देता है। और अब यहाँ पर मिंसू के ऊपर केस भी चलेगी जिससे शायद उसका लाइसेंस भी टर्मिनेट हो जाए। अब इसके बाद मिंसू यहाँ पर एक लॉयर से मिलने आती है जो कि उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाती है। तब यहाँ पर वो लॉयर कहती है कि हम केस को जीत सकते हैं अगर हम साबित कर दें कि यंग एक बहुत ही वॉयलेंट आदमी है और वो अपनी वाइफ को भी असॉल्ट करता था। हम इस तरीके से केस बना सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कोई विटनेस लगेगा। तब यहाँ पर मिंसू कहती है कि हाँ उसके पास एक विटनेस है और वो यहाँ पर कैंग को विटनेस की तरह इस्तेमाल करने का सोच रही थी क्योंकि यंग ने कैंग को धक्का दिया था। और लॉयर भी कहती है कि हाँ हम इस पर केस बना सकते हैं। और लॉयर भी कहती है कि हाँ अगर कैंग ने यंग के खिलाफ केस डाल दिया तो इस केस को जीतने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंसू कैंग को कन्विंस करने के लिए उसके पास पहुँचती है और यहाँ पर वो उसे मक्खन लगाना शुरू कर देती है। लेकिन कैंग सब कुछ समझ लेता है और वो यंग को किसी भी चार्जेस में नहीं फंसाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि यंग उस दिन किस हालत में था। अब यहाँ पर मिंसू देखती है कि जब कैंग नहीं मान रहा तो वो उसे फोर्स करने की कोशिश करती है लेकिन कैंग उसी के ऊपर गुस्सा होकर उसे वहाँ से भगा देता है। तब यहाँ पर मिंसू प्लान बनाती है कि वो कैंग के पास जाएगी और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। और हम देखते हैं कि एक जगह एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और बहुत सारे बेबी चिक्स सड़क पर इधर उधर भाग रहे थे और इन्हें उठाने का काम कैंग और उसकी टीम कर रही थी। और तभी वहाँ पर मिंसू भी पहुँच जाती है और वो इनकी हेल्प करने लगती है और वो फिर से कैंग के पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। और वो कैंग से कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना, हम बार बार ऐसे ही मिलते रहते हैं, क्या गजब का कोइंसिडेंस है। और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें डेट पे ले जाना है लेकिन कैंग उसे बुरी तरीके से इग्नोर करके यहाँ से भगा देता है। और यहाँ पर मिंसू का ये प्लान भी फेल हो जाता है। और यहाँ पर मिंसू की फ्रेंड मिंसू से पूछती है कि अब वो क्या करेगी। तब मिंसू कहती है अगर वो प्यार से नहीं मान रहा तो उसे फिर धमकी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर कैंग जिस ब्रिज पर काम कर रहा था मिंसू उसी ब्रिज पर जाकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर कैंग उससे नीचे उतरने को कहता है लेकिन एक्सीडेंटली मिंसू गिरने वाली थी लेकिन एकदम से कैंग उसे बचा लेता है। और अब इसी गुस्से में जो कुछ भी मिंसू ने उसके साथ किया वो उसे पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। और जब पुलिस ने मिंसू से बात की तो उसे बहुत बड़ी फाइन लगने वाली थी लेकिन यहाँ पर मिंसू इतनी चालाक होती है कि वो पुलिस वालों से भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है। और वो सोचती है कि वो जो कुछ भी कर रही है सब कुछ फेल हो रहा है जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो सीधा
कैंग की टीम को ही ज्वाइन, और क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो उसे वॉलंटरी उसकी टीम को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर चढ़ गया था और दारू पीकर वो फिर से अपनी सैलरी मांग रहा था, जबकि उसे ऑलरेडी सैलरी दे दी गई थी, लेकिन फिर भी वो धमकी दे रहा था कि वो यहाँ से जंप कर देगा। तो इसीलिए कैंग और उसकी टीम को बुलाया जाता है। तब कैंग की टीम नीचे एयरबैग वगैरह रख देते हैं और उस वर्कर से कहते हैं कि प्लीज नीचे आ जाओ, पर वो मानता ही नहीं। तब कैंग यहाँ पर ऊपर पहुंच जाता है और वहां से जब वो वर्कर नहीं मानता तो कैंग उसे ही सीधा लेकर दौड़ता हुआ नीचे कूद जाता है, और नीचे क्योंकि एयरबैग थी तो इन लोगों को कुछ भी नहीं होता। अब ये सब देखकर बीसू थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और वो कैंग से कहती है, क्या तुम हमेशा ही इतनी डेंजरसली काम करते हो? तब कैंग कहता है कि ये उसके जॉब का एक पार्ट है। और यहाँ पर मीसू कैप्टन से कहती है कि अभी अभी मीसू और उसके फ्रेंड ने उनकी टीम ज्वाइन की है तो उनके लिए कोई वेलकम पार्टी तो बनती है, और कैप्टन भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन इस पार्टी में कैंग आने से मना कर देता है, लेकिन कैप्टन के फोर्स करने पे उसे भी आना पड़ता है। और रात को जब ये लोग डिनर पे आते हैं और सभी के सभी वहाँ पर ड्रंक हो जाते हैं, और मिनसू तब कैंग के पास आकर बैठती है और वो कैंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भाव देती हूँ, तो इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ज्यादा अपने आप को शाणा मत समझो, मैं सचमुच में तुम्हें लाइक करती हूँ। और अब ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब डिनर के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मीसू कैंग के साथ रुक जाती है और वो कैंग से कहती है चलो हम ड्रिंक करते हैं, लेकिन कैंग इसके लिए मना कर देता है और वो आगे जाने लगता है। और वो आगे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से मीसू को चक्कर आ जाते हैं। अब ये देखकर कैंग डर गया और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में मीसू को होश आ जाता है और मीसू उससे कहती है कि ज्यादा वरी मत करो, कभी कभी स्ट्रेस के चलते ऐसे चक्कर आते रहते हैं। और वो उससे कहती है कि चलो ड्रिंक करते हैं, शायद मेरी शुगर डाउन हो चुकी है और इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। और अब इस बार कैंग भी मान जाता है और वो दोनों वापस से बार में आ जाते हैं, जहाँ पर कैंग काफी ड्रंक हो गया और वहाँ पर एक चेयर पड़ी होती है, तो कैंग उसे पकड़कर उससे प्यार करने लगता है और उसने उसे गले लगा लिया। और अब ये सब देखकर बार में कुछ लोग उसके ऊपर हंसने लगे, जिस वजह से उसकी बार में कुछ लोगों से फाइट भी हो गई। और यहाँ पर इस फाइट को मीसू रोकना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो आदमी मान नहीं रहा होता, और कैंग तो किसी को भी मारने की हालत में नहीं होता, तो मीसू ही सबको पछाड़ देती है। और इसके बाद डायरेक्टली हम इन सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं, और वहाँ पर इनकी बेल कराने के लिए खुद कैप्टन को आना पड़ता है। बार में फाइट हुई, ये पुलिस स्टेशन गए और अब बेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी कैंग उस कुर्ती को नहीं छोड़ रहा। और ये सब वंडर करते हैं कि आखिर कैंग को इस कुर्ती के ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है। और इसके बाद हमें कैंग की एक मेमोरी दिखाई जाती है, जब कैंग की वाइफ जिंदा थी, ये तब की मेमोरी होती है, जहाँ पर वो हमेशा ही वेपोराइजर पर बैठती थी, और एक बार वो उसके ऊपर से गिर गई और कैंग ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें इस तरह की चेयर पसंद है तो हम किसी बार में से उसे ला सकते हैं। और इसी टाइम पीरियड में इन्हें एक बेबी हो वो उसका भी ट्राई कर रहे थे, और कैंग के लिए ये एक ब्यूटीफुल मेमोरी थी, इसी वजह से वो इस चेयर को छोड़ना नहीं चाहता था। अब अगले दिन जब कैंग उठता है तो कल क्या क्या हुआ था उसका फ्रेंड उसे सब कुछ बताता है, और कैंग का फ्रेंड उससे कहता है कि शायद तुम्हारी वजह से मीसू को जेल हो जाएगी। तब कैंग मीसू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन यहाँ पर हमें तो पता है कि मीसू ऑलरेडी पुलिस की भी दोस्त बन चुकी है, और वो वहाँ पर मस्त उनके साथ लंच कर रही थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंग मीसू को घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो कैंग की गाड़ी में एक लॉकेट को नोटिस करती है और उस लॉकेट में उसकी वाइफ का पिक्चर होता है। और यहाँ पर मीसू को कैंग की वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो कैंग के ऊपर चिढ़ जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और थोड़ी देर में वो फिगर आउट कर लेती है कि कैंग की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, और फिर वो समझ जाती है कि यही रीजन है कि कैंग उसे हमेशा इग्नोर करता है। और यहाँ पर मीसू कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर भी गुजर गई थी, और उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमें अपनी लाइफ के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर वो ये सब कैंग को समझा ही रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसकी मदर का कॉल आ जाता है, और ये सब सुनकर कैंग समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही थी, और वो गुस्से में उसे कार से निकल और उसके सामान को भी रोड पे फेंक कर वो वहां से चला गया। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से कैंग और उसकी टीम जाती है, और यहाँ पर वो काम कर ही रहे होते हैं कि इतने में
गैंग के फ्रेंड को चोट आ जाती है। यहाँ पर मिसू ने उसके ऊपर स्टिचेस लगा दिए और यहाँ इस फैक्ट्री का काम कर वो सभी यहाँ से निकल पड़े। और यहाँ पर गैंग आगे गया और वो धीरे से रियलाइज करता है कि मिसू तो गाड़ी में है ही नहीं। और उसने सभी लोगों से पूछा, लेकिन मिसू के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। और फिर वो भागते भागते वापस से फैक्ट्री में जाता है और वो वहाँ पर मिसू को बेहोश पाता है। जैसा कि हमें पता है कि मिसू स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है और वो यहाँ पर मिसू को उठाकर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन फैक्ट्री की डोर्स ऑटो लॉक हो गए और वो दोनों ही वहाँ पर फंस गए। और थोड़ी देर में इस जगह की फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पर कैंग हेल्प के लिए कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा। और अब तक मिसू भी होश में आ चुकी थी और वो आसपास देखती है और कहती है, कितना रोमांटिक है। लेकिन अब टेम्परेचर नीचे आता जा रहा है और ये लोग फ्रीज होने लगे हैं, तो यहाँ पर मिसू एक्सरसाइज करना शुरू हो जाती है और वो कैंग से भी कहती है कि इस तरीके से हमारी बॉडी गर्म रहेगी। लेकिन थोड़ी देर में एक्सरसाइज करते करते भी ये लोग थक जाते हैं और अब यहाँ पर मिसू को लगने लगता है ये दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। और वो कैंग से कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तब कैंग भी एडमिट करता है कि तुम मुझे भी अच्छी लगती हो, लेकिन मिसू अब रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है और ठंड की वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुकी है। और कैंग फिर उसे गले लगाकर अपनी बॉडी की हीट देता है। और यहाँ पर कैंग की टीम ये रियलाइज करती है कि कैंग और मिसू दोनों ही गायब हैं और वो सब भी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और इन्हें फैक्ट्री में एडमिट किया गया और ये दोनों ही बाद में ठीक हो गए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंग मिसू को उसके घर छोड़ रहा होता है। तब मिसू कहती है कि उसे सी देखने के लिए जाना है और उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि कैंग उसे सी के पास लेकर आ गया और ये सरप्राइज उसे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर ये दोनों सी के पास चलते चलते बातें करते हैं और मिसू यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम पहले सोल्जर हुआ करते थे। कैंग कहता है कि हाँ, वो बचपन से सोल्जर ही बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसे अच्छा नहीं लगा तो वो फायर फाइटर बन गया। तब मिसू कहती है कि मेरे फादर को कैंसर था और मेडिसिन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और बिना ट्रीटमेंट के उनकी डेथ हो गई। और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे फादर के साथ जो हुआ मैं किसी और के साथ वैसा नहीं होने दे सकती। और अब जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो मिसू कैंग की वाइफ के बारे में पूछती है। तब कैंग कहता है कि मैंने मेरी वाइफ को एक हिल पर प्रपोज किया था और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट था और मैंने उसके लिए वहाँ पर एक घर भी बिल्ड किया था जिसकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिर में जब उसने मुझसे हाँ कहा तो ये सब वर्थ इट था। और अपनी वाइफ के लिए उसने एक स्पेशल फोर्ज भी बनवाया रखा था। अब यहाँ पर कैंग ड्रंक होता है तो अचानक से उसे अपनी वाइफ दिखने लग जाती है और उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करते हो। और कैंग कहता है कि मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। और फिर वो बहुत ही रोने लगता है। और जाते में ये दोनों एक रूम बुक करते हैं और जब सुबह होती है तो दोनों ही सनराइज को देख रहे थे। और यहाँ पर मिसू उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब कैंग कहता है कि कितना ब्यूटीफुल सनराइज है। और फिर वो मिसू से पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। तो मिसू कहती है कि आखिर हम इतनी दूर आए और अब हम फिर से वापस जाने वाले हैं और अभी तक हमने एक दूसरे को किस भी नहीं किया। और ये सुनने के बाद दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं और दोनों ही आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। और तब मिसू कैंग से कहती है कि तुम अपने काम के लिए इतना रिस्क लेते हो, अगली बार तुम्हारी जान को खतरा हो और तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम वहाँ से भाग जाना। तब कैंग उससे पूछता है तो फिर मैं क्या करूँगा। मिसू कहती है कि मुझे अच्छी सैलरी है, तुम घर बैठना और बच्चों को संभालना, खाना पकाना, और क्या करोगे। और ये दोनों इस पर बहुत ही हंसते हैं। और उसकी दूसरी तरफ हम यंग को देखते हैं और यहाँ पर उसकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब थी और अब वो कोमा में जा चुकी है। और यहाँ पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अब तुम्हारी वाइफ ठीक नहीं हो सकती और अब बस वो एक लाइफ सपोर्ट पर है और लाइफ सपोर्ट का खर्चा बहुत ही ज्यादा होगा तो उसे लाइफ सपोर्ट निकलवा देना चाहिए। और जब ये बात मिसू को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और ये सब बात वो कैंग को कहती है कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। तब कैंग उससे कहता है कि तुम्हें अपनी गलती एडमिट कर लेनी चाहिए, लेकिन मिसू इसके लिए नहीं मानती और वो उससे कहती है कि अगर मैंने ये सब एडमिट कर लिया कि ये सब मेरी गलती है तो मेरा लाइसेंस जा सकता है। और उसे लगता है कि अगर वो कंटिन्यू डॉक्टर रहेगी तो वो बहुत सारे लोगों को बचा सकती है। और वो कहती है कि मुझे भी माफी मिलनी चाहिए, लेकिन कैंग इस चीज से एग्री नहीं करता और कैंग उसे समझाता है कि जो भी हो तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन मिसू पूछती है कि अगर मैंने नहीं माना तो क्या होगा। तब कैंग कहता है
तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और कैंग ने ये सब क्यों कहा, इसके पीछे एक रीजन होता है जो कि अब हमें फ्लैशबैक में पता चलेगा। और कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जिस वक्त पर कैंग की वाइफ की डेथ हुई थी। उस रात वो ड्यूटी पर था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। एक आदमी गाड़ी में बहुत बुरी तरीके से इंजर हो चुका था और उसे बचाने के लिए कैंग उसके पास ही था। और यहाँ पर वो आदमी इतना घायल था कि अगर कैंग वहाँ से हटता तो वो आदमी वहीं पर मारा जाता। लेकिन तभी उसकी वाइफ का उसे कॉल आया जो कि सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन वो उस समय एक्सीडेंट की साइट छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने एक एम्बुलेंस घर पर भेज दी। और वहाँ पर वो अपनी वाइफ के लिए किसी और की जान दांव पे नहीं लगा सकता था, क्योंकि जो चीज सही थी वो हमेशा वही करता है। और इसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर मीसू हॉस्पिटल में आई होती है और उसे पता चलता है कि यंग अपनी वाइफ के रूम में है और उसने दरवाजा बंद कर लिया है। तब ये सब दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। तब उसने अपने आप को हैंग करने की कोशिश की थी। और अब जल्दी से मीसू अपनी टीम को बुलाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वो यंग को शॉक देती है, लेकिन फिर उसकी हार्ट बीट वापस नहीं आ रही होती और वो शॉक देती चली गई। तब भी वो होश में नहीं आ रहा था और अब उसे देखकर उसकी फ्रेंड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीसू मान नहीं रही थी और वो कहती गई कि बस एक बार मुझे और ट्राई करने दो। और जब वो एक लास्ट बार ट्राई करती है तो उस आदमी को होश आ जाता है। और तब हम देखते हैं कि गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी है। और कैंग और उसकी टीम को जल्दी से बुलाया जाता है, जहाँ पर गाड़ी में एक लेडी थी जिसे बचाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर ट्रेन भी आने वाली थी। तो वो सभी उस लेडी को छोड़ने वाले थे, लेकिन कैंग नहीं मानता और उसने सभी लोगों की हेल्प ली और गाड़ी को वक्त पर ट्रैक से बाहर निकाल दिया। और ये करते करते कैंग ऑलमोस्ट मरने वाला था। और यहाँ पर मीसू उस लेडी को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीसू और कैंग आपस में बात करते हैं, जहाँ पर मीसू अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। और क्योंकि मीसू अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही तो कैंग उससे बात नहीं कर रहा। तो इन दोनों के बीच में भी काफी मुसीबतें आ जाती हैं और वो यहाँ पर म्यूचुअली ब्रेकअप कर लेते हैं। और मीसू अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे उसे भुला देना चाहिए और यही सही होगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। और अब यहाँ पर मीसू हमेशा ही बेहोश होती रहती है, तो इस वजह से वो मीसू का टेस्ट करवाती है। और इस सीन में हमें पता चलता है कि मीसू को एक ट्यूमर है, लेकिन ये ट्यूमर निकाला जा सकता है और इससे उसकी जान को कुछ भी खतरा नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीसू यैंग से मिलने आती है। तब यहाँ पर यैंग मीसू से कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई और अब मुझे पता चला कि जिंदगी जीने में एक अलग ही खुशी है, लेकिन तुमने जो मेरी वाइफ के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अब क्योंकि उसकी वाइफ इतने पेन में, तो वो मीसू से कहता है कि जब तुमने ये सब कुछ शुरू किया है तो खत्म भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। और वो मीसू से उसकी वाइफ के लाइफ सपोर्ट को निकालने का कहता है। तब यहाँ पर ये दोनों ही बहुत रोते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मीसू भी अपनी गलती को रियलाइज कर लेती है और अब वो फाइनली रिजाइन करने वाली थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीसू कैंग से मिलने आई है और वो यहाँ पर उसे मुड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके फेस पर वो ये सब बातें नहीं कर सकती और वो उसे आई लव यू कहकर रोने लगती है। और वो यहाँ पर उससे कहती है कि अगर मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आई तो प्लीज भाग जाना, क्योंकि अब वो कैंग से दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंग को फिर से इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर इस साइट पर एक बिल्डिंग गिर रही है और उन्हें उसके अंदर के लोगों को बचाना है। और जब कैंग अंदर जाता है तो एक आदमी के पैर के ऊपर एक पिलर पड़ा होता है और वो आदमी वहाँ से निकल नहीं पा रहा। तब कैंग का फ्रेंड उससे कहता है कि हम इसे बचा नहीं सकते और अगर उन्होंने ट्राई किया तो ये पूरी बिल्डिंग गिर सकती है और ये भी इसके साथ मारे जाएंगे। तब कैंग का फ्रेंड उससे कहता है कि हम सिर्फ सपोर्ट लगाकर यहाँ से चले जाते हैं और इनका काम था यहाँ पर सपोर्ट लगाना और बाद में फिर से आकर हम शायद इसे बचा सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये आदमी ये सब सुनता है तो वो इनसे कहता है कि मुझे जीना है, प्लीज मुझे बचाओ। और यहाँ पर अपनी फैमिली की उसे याद आती है और उन्हें कॉल लगाकर लास्ट बार बात कर लेता है। और तब कैंग को भी मीसू की एक बात याद आती है जब उसने कहा था कि जब तुम डेंजर में हो तो प्लीज वहाँ से भाग जाना, लेकिन किसी को ऐसे डेंजर में छोड़कर वो वहाँ से भाग नहीं सकता। और कैंग अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं इस आदमी को बचा के रहूंगा। तब यहाँ पर कैंग का फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग नहीं मानता। तब यहाँ पर कैंग हर जगह सपोर्ट लगाने लगता है और इस आदमी को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो होना था वो होने लगा। ये बिल्डिंग नीचे गिरने लगी और आखिरकार ये बिल्डिंग इनके ऊपर गिर गई। और यहाँ पर कैंग की टीम ने इन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की और कई घंटों तक ढूंढते रहे और फिर आखिरकार वो फाइनली उन्हें मिल गए, जहाँ पर कैंग अभी भी जिंदा है
और जिस आदमी को वो बचाना चाहता था उसकी लाइफ भी उसने बचा ली है। और यहाँ पर उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, पर यहाँ पर वो बेहोश है और इस अनकॉन्शियस स्टेट में भी उसे मीसू की याद आती है, तो वो जल्दी से उठ जाता है। और अब जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था इस सब के बारे में मीसू रेडियो पर सुनती है और उसे पता चलता है कि कैंग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर कैंग को भी रियलाइज हो चुका है कि वो भी मीसू के बिना नहीं रह सकता, और ये दोनों भागते भागते हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। और कैंग को हॉस्पिटल में पता चलता है कि मीसू ने रिजाइन कर दिया है। और जब वो हॉस्पिटल के बाहर आया तो मीसू उसे ही ढूंढ रही थी, और वो उसे देखकर रोने लग जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। और यहाँ पर कैंग मीसू को ऊपर उठा लेता है और उसे किस कर लेता है, और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहाँ पर कैंग कहता है कि मैंने सुना कि तुमने क्विट कर दिया है, और मीसू कहती है कि हाँ, और वो कैंग से पूछती है कि अब मैं क्या करूंगी, और कैंग उससे मजाक में कहता है कि अब तुम घर पर रहोगी, खाना पकाओगी और बेबी के डायपर्स चेंज करोगी। और ये वही डायलॉग था जो मीसू ने कैंग से कहा था। और इसके बाद मीसू भी कैंग की तरह फुल टाइम फायर फाइटर बन जाती है, और यहीं पर ये मूवी भी एंड होती है। और इसी के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।